फर्स्ट एयर कूल्ड इंजन, इसमें मेटल फिन्स बनी होती हैं जो कि बाइक के चलते समय हवा के कांटेक्ट में आती हैं और हीट को डिसिपेट कर देती हैं। ये सिस्टम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में यूजफुल नहीं है पर नॉर्मल सिचुएशन में काफी अच्छा काम कर लेते हैं। सेकंड ऑयल कूल्ड इंजन, जो इंजन ऑयल हम बाइक के इंजन में ल्यूब्रिकेशन के लिए डालते हैं वो ही इसमें कूलिंग का भी काम करता है। इंजन ऑयल जब इंजन में सर्कुलेट होता है तो वो अपने साथ हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक कूलर या फिर रेडिएटर की मदद से सारी हीट को सराउंडिंग में रिलीज कर देता है और इस प्रोसेस से इंजन में एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन रहता है। थर्ड लिक्विड कूल्ड इंजन मोस्ट एडवांस, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं। इसमें कूलेंट की जरूरत पड़ती है जो कि यूजुअली मिक्सचर होता है पानी और एंटी फ्रीज का और इसकी मदद से इंजन का टेम्परेचर मैनेज किया जाता है। ये कूलेंट सर्कुलेट होता है इंजन के अंदर बनी हुई कूलेंट जैकेट या पैसेज से। इसे सर्कुलेट कराने के लिए एक वाटर पंप की भी जरूरत पड़ती है। इसके बाद ये हीटेड कूलेंट एक रेडिएटर में जाता है और वहां पे सारी हीट को सराउंडिंग एयर में रिलीज कर देता है। लिक्विड कूल्ड इंजन में हमें कूलिंग फैन भी देखने को